बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। भाई बिरयानी बन के तैयार हो गई। मैं न चीफ गेस्ट है, ठीक है। आज इन्होंने बनाई बिरयानी और मैं खा के बताती। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इतने महंगे टमाटर तू सारे पीस पीस के बिरयानी च पाते हो मेहमान में। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मजेदार मेहमान की बिरयानी और इतनी मजेदार, इतनी लजीज। अपनी बेटियों को ये हुनर दें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन बिरयानी। आज बनाएगी एमी। प्याज कितने काटे हैं हम बताएं? ये मैंने दो बड़े अदद प्याज काटे। ये लहसुन अदरक का पेस्ट। ये दही में मैंने नमक और एक पाव है दही। जी, एक पाव है दही और एक ये डब्बा बिरयानी का, मुंबई बिरयानी का। एक इसमें इसने साशे डाल दिया है। एक साशा डाला है, दो होते हैं इसमें, एक डाला है। अच्छा। और उसमें नमक डाला है एक टीस्पून या एक टेबल स्पून? एक टेबल स्पून। अच्छा। और ये टमाटर का पेस्ट। टमाटर और हरी मिर्च, हरी मिर्चों का पेस्ट। हाँ, टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट। गरम मसाला। अच्छा, ये डालूंगी। प्याज खड़काला तड़पाला चंगा। ये वाली बिरयानी ईद पर ट्राई कीजिएगा जरूर, क्योंकि बकरा ईद आने वाली है। बाज लोग होते हैं कि उनके घर में कुर्बानी नहीं होती, तो मुर्गी की कुर्बानी करके फिर वो ये बिरयानी बना सकते हैं, जैसे चिकन बिरयानी की रेसिपी। मटन बिरयानी बना सकते हैं, बीफ बिरयानी बना सकते हैं। अच्छा, बीफ बिरयानी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आप दोनों बिरयानी बना सकते हैं। चिकन को स्किप करके कोई भी मीट यूज कर सकते हो, मटन भी, कुछ भी। तो जब तक ये थोड़ी देर फ्राई होते हैं, आप तब तक पानी बॉइल चावलों का दिखा दे। अच्छा, उधर पानी रखा हुआ है, मैं उस किचन में चलती हूँ, देखती हूँ। ये 1 kg चावलों को डिप करके रखती है। इसमें ये कौन सी चावल है वाला? ये बासमती है। 1 kg जैसे 1 किलो चावल है, और इसको डबो के रखी है तकरीबन 15-20 मिनट के लिए चूल्हे पे। पानी बॉइल हो रहा है। इसमें अब ये साबुत मसाला जो गरम मसाला, इसका भी बताओ ये कौन कौन सी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से मसाले हैं। ये 1 teaspoon जीरा लिया है, एक बड़ा दालचीनी का टुकड़ा आप ले सकते हैं, ये छोटे थे तो मैंने ये ले लिया। और ये 6 से 7 काली मिर्चें हैं, बड़ी इलायची है, और ये 3 से 4 अदद लौंग है, और एक तेजपत्ता है छोटा पत्ता। माशाल्लाह, शाबाश, ऐसे पता होना चाहिए कि कौन कौन से मसाले हैं। मेरी बच्चियां दोनों लगी हुई हैं उमेर उमान उमेर मन बिरयानी बनाने। अब ये इसमें ऑयल डाल दिया, इसने 2 tablespoon भर के डाल दिए हैं। अब इसमें जाएगा सिरका। मैं नमक भी डाल, हाँ नमक भी डाल दें। नमक कितना? नमक 1 kilo है ना, कितना इसमें जाएगा नमक? 4। हाँ, 4 चम्मच डाल दें। ये हमारे पास 30 tablespoon है, या 4 डाल दें। ज्यादा भर के नहीं, मैं ले रही बस नॉर्मल, क्योंकि अब इसमें मैं सिरका शामिल कर रही हूँ। 3 से 4 चम्मच में सिरके के शामिल कर दूंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसके बुलबुले देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, इधर जिधर मछलियां तरतियां फिर दिया। अब बस मैं इसमें चावल शामिल कर दूंगी जब तक आप एमएम कर। हाँ चलो ठीक है, ये थोड़ा सा। वेलकम टू माइक किचन। हाँ, अभी डार्क थोड़े होंगे तो थोड़े से निकाल लेंगे, और फिर बिरयानी के मसाले के लिए हम यूज करेंगे। 1 किलो की आज बिरयानी है। 2 शेफ लगे हुए हैं हमारे, बहुत प्यारे प्यारे से। अल्लाह ताला इनको बहुत ज्यादा खुशियां अता करे, इनके खानों में बरकतें दें, इनकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए, आमीन। तो एमी भी इधर आ गई हैं, अपना सामान सारा लड्डा उठा कर लड्ड की गुड़ी आ गई। हाँ ऐसे अब मुझे बहुत आसानी हो गई है, अब मैं दोनों की ऐसी वीडियो बनाऊंगी। अब एमी के प्याज बिल्कुल रेड हो गए हैं, अब ये निकाल रही है और इसको खुश करेंगी। अभी ये थोड़े से कच्चे हैं, इसको आपने 80% तक बॉईल करना है, ठीक है। थोड़ी सी जैसे 1 कनी छोड़नी है, बाकी 3 कनी पकी होनी चाहिए आपकी। दे मुझे, नहीं अभी कच्चा है चावल, ये फूल जाते हैं हमेशा। इसको गरम मसाला है, बड़ी इलायची, लौंग, छोटी इलायची है इसमें, और इसके गुले बादियान के फूल है, ये गुले बादियान के फूल भी हैं। मिक्स मसाला है, खड़ा मसाला, तो इसमें भी ये डाल देंगी थोड़ा सा, इसको ये थोड़ा सा इसमें जीरा भी डाल गया। ये बिरयानी है तो बिरयानी में थोड़े से तेज मसाले ही अच्छे लगेंगे। हाँ, अदरक लहसुन जाएगा, ये कितना है? 2 tablespoon है। 1 लहसुन अदरक। अच्छा, लहसुन अदरक के 2 tablespoon है। ये तकरीबन इसके पास 1 kg ये चिकन है, बड़ी बड़ी ये पीसेस रखे हुए हैं इसने। तरीके से आप बीफ और मटन में भी बना सकती हैं बिरयानी। और इसको भी थोड़े से पकाएंगे, और आलू तो बाद में ही थोड़ा सा डालेंगे। उमेर उमान आप दिखाएं बेटा। हाँ अब देखो ये अभी पक रहा है, अभी चावल खुद ब खुद फूल के ऊपर आते हैं ना। बहुत बहुत कट लग रहा है।
हाँ अब हो गए, एक कनी हो गए चावल, अब आप इनको निकाल लें। माशाल्लाह से ये देखिए चावल अभी सारे छल्ले में निकाल लिए, इसने काफी हद तक ब्राउन हो गया है बहुत अच्छे तरीके से। अब इसमें डाल देंगे आलू, आलू बच्चे बहुत पसंद करते हैं, वैसे भी आलू बिरयानी में बहुत अच्छे लगते हैं। बोटियों का कलर कैसे ब्राउन सा हो गया है, और आलू भी डाल दिए हैं, और इसमें क्या जाएगा अभी अभी बताएं। हाँ जो हमने लाइट से प्याज निकाले थे जो, हाँ ये पहले निकाले थे, ये अभी इसमें डाल दिए, वगैरह कुछ नहीं डाला। जैसे ही डाल दिए हैं फिर मैं आपसे मिलती हूँ। पुदीना अपने गमले से वगैरह तोड़ के आ गया है, बिल्कुल फ्रेश पुदीना है, इतना प्यारा जबरदस्त देसी पुदीना। अभी ये रुमान काट रही है, और हरी मिर्चे 2-3 और लेमन काट रही है, और ये एमी ने जो प्याज क्रिस्पी करके रखे हैं, ये देखें कैसे क्रिस्पी करके रखे हुए हैं, ये बाद में डालेंगे। प्याज और इसमें डाल दिए थे, और इसमें अभी डालेंगे जो दही में, एक पाव दही में बिरयानी मसाला डाल के रखा था वो डाल देंगे। एक चम्मच इसमें नमक का भी डाला था। आसान हो रही है, मैं थोड़ी देर म्यूट पे हूँ। माशाल्लाह के ये देखें कितना जबरदस्त सारा इसका कलर, और इसमें मसाले जाएंगे या फिर सारा हो गया? इसमें जाएंगे, आपको साथ के साथ बताएंगे, पहले बता दिया तो आप वीडियो स्किप कर दें। अच्छा जी, कह रही अगर मैंने पहले बता दिया तो वीडियो आप छोड़ के भाग जाएंगे। साथ कनेक्ट रहने के लिए कह रही है, मैं बारी बारी चीजें बताऊंगी, अभी इसमें बहुत कुछ जाने वाला है भाई। ये बिरयानी जो इसने अपनी खाला से सीखी हुई है, जो इसकी खाला कराची वाली है, वो उसकी बिरयानी की तो बात ही क्या है, बहुत जबरदस्त बनाती है वो। हाय हाय माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसमें क्या डाला है? मैं एंड में इसमें टमाटर डाल, एंड में भाई टमाटर इसमें पीस के डाल दिए हैं, ग्राइंड करके डाल दिए हैं, हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट। टमाटर कितने लिए हैं आपने अभी बताएं? टमाटर मैंने लिए होंगे 6 टमाटर, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इतने महंगे टमाटर तो सारे पीस पीस के बिरयानी चपाते हुए मेहमान। चलो हमें तो भाई खाने हैं, तभी तो इतनी मजेदार बिरयानी होती है इसकी, बहुत ही यम्मी, बहुत ही मजेदार, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए अभी थोड़ा सा इसका पानी खुश्क हो तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है? अब ये देखिए इसमें आलू बुखारा डाल देंगे, कितने पीस डाले हैं? और 5-6 पीस इसने डाल दिए आलू बुखारे के। देखिए इसने दही में कलर को, फूड कलर जो ओरिंग फूड कलर है वो मिक्स करके रखा है। रहरा खा के दिखा, एक चमची के तेनों नाम मिलेगा, रहरा मिक्स कर खा। मेरे यार बाहर देख लो, हूं काम देखना, भुख ना जान निकली पई है, हम थोड़े जे इधर टेस्ट करके देखने कि किदा का आदा जायका। आ हूं हरेरा भी लगा कॉफी के हक हा। कैसा? मजेदार, मजेदार टेस्ट है। मैं टेस्ट तो बहुत मजेदार यमी है, बनी है नहीं अभी बिरयानी, अभी जाएगा इसमें हरी मिर्चें, और अभी इसमें जाएगा पुदीना, और इसमें क्या जाएगा? ब्राउन प्याज। तो आप बनाइएगा इस ईद पे, अगर आपके ईद वाले कुछ ना हो, ईद वाले दिन खा के कुछ ना हो आपके घर वाले, तो मुझसे आके बोलना, दिल के साथ साथ मैदा भी जीत लें। ओहो हो, कह रही है दिल के साथ मैदा भी जीत लें भाई, अच्छे अच्छे खाने बनाएंगे तो मैदा जीता जा सकता है। बहुत अच्छी बात की है भाई, मेरी ती बहुत सहनी हो गई है, अच्छे खाने बनाए, दिल में जगह ना हो तो मैदे में जगह बना लें, मैदे च कब्ज़ हो जानी है कहता। अच्छा रहना। चलो सही है, देखते हैं। इन दोनों बहन भाइयों में बहुत तजाद रहता है, लेकिन बनती भी दोनों की आपस में बहुत है, मजाज मिलते हैं, लेकिन तजाद भी रहता है, ये मोहब्बतें हैं, ये प्यार है। आगे हम तवा रख के ऊपर उसके पतीला रख दिया है, अब क्या क्या डालेंगी अब देखते हैं। कोरमा तैयार है, ये देखिए कोरमा कितना जबरदस्त लश्कारे मार रहा है, अब इसको हम क्या करेंगे पहले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कोरमा मारा गया पतीले में, अब ये देखिए सारा कोरमा इसने पतीले में डाल दिया, अब जाएगा इसमें पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्चे, और बारीक बारीक स्लाइस में काटे हुए लेमन, ये सारे इसमें डाल दिए हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए चावल बॉयल है, कोरमा नीचे ऊपर चावल, अब डालेंगे इसमें ब्राउन प्याज, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
अब इसमें डालेंगी इसके ऊपर और क्या डालेंगी, अब इसमें जो इसने दही में कलर ऑरेंज कलर ऐड करके रखा था वो इसमें डाल देंगी। ये देखिए ऐसे माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इसके ऊपर जो लेमन के चंक स्लाइस रख दिए हैं और इसमें कलर जो दही में डाल के डाला है कलर जो ऑरेंज फूड कलर है वो। अब देंगे इस पे हम ढक्कन। अब ये ब्राउन प्याज मजीद डाल रही है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मिलेंगे हम 15 या 20 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारा मेरे वालों ही आई जाता है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें बिरयानी उम्मे अमन की बिरयानी और इतनी मजेदार इतनी लजीज। अपनी बेटियों को ये हुनर दें ताकि अच्छा खाना बनाएं और बना के अपने घर वालों के दिल जीतें। तो हम तो खाने लगे हैं बिरयानी। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई बिरयानी बनके तैयार हो गई। मैं चीफ गेस्ट हूं ठीक है। आज इन्होंने बनाई बिरयानी और मैं खा के बताऊं। पता नहीं केड़े केड़े रिएक्शन पर मैं खा के उन सब दस दी आ गई। अरे है आलू बुखारा तो मैंने इतना चंगा कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजेदार पास हो गई माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही मजेदार बिल्कुल देगी बिरयानी की तरह टेस्ट है इसका। आप मटन में इसमें मटन में या बीफ में बनाएं तो इसी तरह बनाएं बिल्कुल यही रेसिपी के साथ। कोई मसाले नहीं इसने यूज किए। सिर्फ एक पैकेट पैकेट में बड़े पैकेट में दो साशे होते हैं। एक साशा इसमें इसने इस्तेमाल किया है। बाकी आपके सामने जो मसाले डाले हैं और इसके अलावा कुछ नहीं डाला। और इतनी मजेदार जबरदस्त मैं बयान नहीं कर सकती। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। गांव में याद रखिएगा कुर्बानी जब करनी हो तो आस पास गुरबा जो नहीं कर सकते उनका खास ख्याल रखिएगा।